हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में हम संख्या 24 से भाग देना सीखेंगे। तो भाग 24 किस में देना है? 9, 8, 5, 3 में। बच्चों ये कभी कभार आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, 9, 8, 5, 3 बट्टे आपका 24। देखिए बच्चों बिल्कुल सिंपल है। मैं हूँ सुरेंद्र खिलेरी। अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। शुरुआत कहाँ से करनी है? तो बच्चों हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? यदि यह दो अंकों की संख्या है तो यहाँ पर दो अंकों को लेकर तुलना करेंगे और हम क्या देखेंगे, एक खुद से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या यह 23 यहाँ पर किसका कर रहे हैं, 24 का, क्या यह 24 से बड़ा है? ठीक है, तो यस यह आपका 24 से बड़ा है। ठीक है, अब 24 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका इससे बड़ा ना आए? देखिए 24 को हम 4 से गुणा करते हैं तो 4 सौ 16, एक क्रिया के 8, एक 9, इससे बड़ा नहीं आ रहा। कितना आ रहा है? 96 आ रहा है। फिर माइनस किया, कितना आ गया? 2 आ गया। अगला जो 5 है इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, 25 में कितने और गया? एक और। कितना आ गया? 24। माइनस किया, एक आ गया। इस 3 को मैं यहाँ ले आता हूँ, यह जो संख्या बन रहा है ये क्या 24 से बड़ी है? नहीं है, 24 से छोटी है। तो भाग कितनी बार जाएगा? 0 बार। कितना आएगा? 0। कैसे? 24 को 0 से गुणा करते हैं, कितना आता है? 0। किस से गुणा किया? 0 से। भाग गया 0 बार, कितना मिला? 0, तो ये 0। फिर इसको घटाया, कितना आ गया? 13। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका यह 13 सेंसफल बन जाता है और यह भागफल। ठीक है बच्चों,